Golden Temple. The first time I went to Golden Temple, I just felt that it was probably the greatest place I've ever been to. It was so spiritual. Achha mehsoos hua. You know, I just felt that's the closest place that you can come close to God. Vibes, bahar se hi wo feel hai. और अंदर आते ही तो ऐसे लगता है कि जन्नत में है, तो बहुत ही खूब और खुश हूँ कि मैं आ पाया। कोशिश हमेशा ये रहती है कि अपने जन्मदिन के दिन आकर दो तीन दिन गुजारता हूँ यहाँ पर। सबसे यहाँ पे तो कुछ सब मंगाए मैंने अभी रूम में उधर जाके खा नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं जब यहाँ पे आती हूँ तो मैं बहुत वेट करती हूँ कि मुझे वो प्रसाद मिल जाए, खड़ा प्रसाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं दूसरी टाइम आई हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं वापस गोल्डन टेम्पल आऊँ। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, किदा हाल चाल, उम्मीद करना सारे वधिया होगे, हसदे वसदे होगे ते चढ़दी कला च होगे। अज गल करांगे बॉलीवुड दे जिहड़े सुपरस्टार ने गोल्डन टैंपल दे बारे च की सोचदे ने। बॉलीवुड दे बहुत से सुपरस्टार गोल्डन टैंपल दा विजिट करदे ने। अज दी वीडियो च असी जाणांगे बॉलीवुड दे जिहड़े सुपरस्टार ने ओह गोल्डन टैंपल ते सिखिज़म दे बारे च की सोचदे ने। वीडियो नूं स्टार्ट करने आ 3, 2, 1 स्टार्ट। और दर्शन भी किया है, इसके बारे में बताएं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं दूसरी टाइम आई हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं वापस गोल्डन टेम्पल आऊँ। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। थैंक यू सो मच। एंड आई जस्ट लाइक टू विश द एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट एंड द कमिश्नर जी कि उनका जो होप इनिशिएटिव है तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर इट। सब तो पहले सारेयानु सत श्री अकाल। मैं जब भी अमृतसर आती हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके दर्शन लेके फिर मैं अपने दूसरे काम करती हूँ। तो मुझे बड़ा ही चंगा लगता है, सुकून मिलता है। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ बहुत सारा प्यार मिलता है। एंड और क्या बोलूँ, अमृतसर का कोई फूड, कोई खास फेवरेट चीज़ है अमृतसर के फूड? सबसे यहाँ पे तो कुछ सब मंगाए मैंने अभी रूम में क्योंकि उधर जाके खा नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं जब यहाँ पे आती हूँ तो मैं बहुत वेट करती हूँ कि मुझे वो प्रसाद मिल जाए, खड़ा प्रसाद। और अमृतसर में तो खाना बहुत फेमस है, तो मैंने सारी चीजें मंगाई है अपने रूम में, सरसों का साग, मक्के की रोटी। खास प्रोजेक्ट की शिल्पा शेट्टी, मेरी अगली फिल्म जो आने वाली है वो उसमें मैं बहुत ही अच्छा किरदार प्ले कर रही हूँ। और आपको खुशी होगी जान के कि मैं एक्चुअली पंजाबन का रोल प्ले कर रही हूँ। और पिक्चर का नाम है सुखी, तो मैं सुखी पबजी हूँ पिक्चर में। मैं सौभाग्य समझती हूँ कि मैं आज यहाँ पर आ सकी। कल गोविंदगढ़ किले में एक फंक्शन था, अवार्ड फंक्शन, जहाँ पर आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब भी आए हुए थे और बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उपस्थित थे। और आज सुबह मेरा तो मकसद था कि मैं गोल्डन टेम्पल आऊँ, अमृतसर आई हूँ तो ये यहाँ तो आना बनता ही है। और यहाँ की विशालता, खूबसूरती और श्रद्धा देख के तो दिल एकदम क्या कहूँ मैं। What's your favorite city? The city that you've selected? Amritsar. Amritsar. Why Amritsar? Well, you know, Karan, I think firstly the first outdoor schedule mere career mein tha Amritsar. I started there. We shot Basna Haseena there. And just the place, you know, the people, wahan ka khana, the weather, and of course Golden Temple. The first time I went to Golden Temple, I just felt that it was probably the greatest place I've ever been to. It was so spiritual. Achha mehsoos hua. You know, I just felt that's the closest place that you can come close to God. यही है कि हर साल आऊं, लेकिन पिछले दो साल से आ नहीं पाया कोरोना की वजह से, और तो तसल्ली नहीं हो रही थी मन को। और यहाँ आते ही एक ऐसी फीलिंग है शायद जो फीलिंग मुझे कहीं नहीं और नहीं मिलती, एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन, एक अजीब सी खुशी और आंखें भर आती है हमेशा। इतनी खूबसूरत जगह, वाइब्स बाहर से ही वो फील है और अंदर आते ही तो ऐसे लगता है कि जन्नत में है, तो बहुत ही खूब और खुश हूँ कि मैं आ पाया। कोशिश हमेशा ये रहती है कि अपने जन्मदिन के दिन आकर दो तीन दिन गुजारता हूँ यहाँ पर। इस बार नहीं हुआ, लेट हुआ, लेकिन देर आई दुरुस्त जरूर। और
कल दोबारा फिर आऊँगा आई थिंक दो तीन दिन जितने दिन भी रहता हूँ मैं ज़रूर आता हूँ। तो बढ़िया लगा और हमेशा जो सेटअप है यहाँ का यहाँ के जो हाइजीन है क्लेनलीनेस है डिसिप्लिन है वो कमाल का है। यू नो ऐसी डिसिप्लिन और ऐसी शांति हर जगह में मिलनी चाहिए। इतिहास ही आज दी वीडियो बॉलीवुड दे फेमस सुपरस्टार उन्होंने गोल्डन टेंपल दा विजिट कीता ते गोल्डन टेंपल दे बारे च उन्होंने गल्लां दसियां। बॉलीवुड दे सुपरस्टार दा कहना सी कि गोल्डन टेंपल उन्हां नूं बहुत ज़्यादा पीसफुल जगह लगती है ते उत्थे जाके बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हुंदी है ते जदों भी अमृतसर उन्हां दा चक्कर लगदा गोल्डन टेंपल दा विजिट करदे ने ते बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेस है गोल्डन टेंपल। बॉलीवुड दे जिन्ने भी सुपरस्टार ने उह सारे दरबार साहब गोल्डन टेंपल दा विजिट करदे ने ते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं उन्हां दी फीलिंग्स उन्होंने तुम फेस तो अंदाजा ला सकते हो। बॉलीवुड के एक्टर जड़े ने दरबार साहब के बहुत ज़्यादा रिस्पैक्ट करते हैं इस प्लेस में बहुत ज़्यादा पाक बहुत ज़्यादा सुकून वाली जगह समझते हैं। तुम की सोचते हो बॉलीवुड स्टार की जानब दरबार साहब के बारे गलों के बारे अपनी राय तो कमेंट चगा करो। वीडियो चंगी लगी लाइक करो। मिलने नैक्सट वीडियो गुड बाय अल्लाह हाफिज़।